दोस्तों ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये है दोस्तों मुंबई सीलिंग से कनेक्ट हुआ रोड, जो कि उलवे कोस्टल रोड, जो कि हम अभी कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा और देखा भी होगा। तो हो सकता है मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से चैनल ऐसे हों जो इस रोड के बारे में बताए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं ये उलवे कोस्टल रोड। तो इस वीडियो को मैं कवर कर रहा हूँ नवा सिवा रोड से, जो कि अटल सेतु के पास ही सटा हुआ है, जो कि यहाँ पे ग्राउंड देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को दिखाते हैं और बने रहिए इस वीडियो में। और दोस्तों ये जितने खंभे दिख रहे हैं, ये सारे कोस्टल रोड के हैं, जो कि हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो हमने शुरुआत किया था नवा सिवा रोड से, जो कि हमने स्टार्टिंग में दिखाए। उसके बाद अभी हम वीडियो को पूरा करते करते पहुंचे हैं जस्ट रिलायंस इंस्टीट्यूट के बैक साइड में, जो कि इस ये जो पिलर दिख रहे हैं आपको, ये सारे उलवे कोस्टल रोड के पिलर हैं, ये सारे दिख रहे हैं। तो अभी हम कुछ आगे जाके भी दिखाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे इस ब्रिज के बारे में। तो दोस्तों ये काम जो है बारिश में बिल्कुल बंद हो चुका था, पर अभी देख पा रहे हैं आप बहुत तेजी से काम चालू है। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मशीनें जो है बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो आशा है कि वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है और हम ज़्यादा आपको इसमें चलते हुए दिखाए हैं। आशा है कि जो रोड से हम आए हैं वो रोड आपको समझ में आएगा। दोस्तों वहाँ पे जाके इसलिए नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सेफ्टी रखा जाता है, और अपने भी सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ पे जाना, क्योंकि देख रहे हैं आवाज़ जो आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वहाँ पे जाके जब पास में देखेंगे तो वहाँ पे ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वहाँ पे जाके मैंने वीडियो नहीं बनाया और आपको दूर से ही दिखाने की कोशिश की। आशा है दोस्तों कि मैंने वीडियो में इसमें बताने की कोशिश की है और आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। पर दोस्तों वीडियो बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि वीडियो वहाँ पे जाके बनाना और एक मोबाइल में देखना, दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कि बड़ी आसानी से बन गया है, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत प्रॉब्लम होता है वहाँ पर जाके वीडियो बनाना, उसको एडिटिंग करना, उसके बाद फिर यूट्यूब पे अपलोड करना। दोस्तों हमारी छोटी सी मेहनत को समझते हुए अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।